हेलो एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक दिस इज द वीडियो स्पेसिफिकली फॉर माय स्टूडेंट्स डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी वे वुड बी टॉकिंग अबाउट डिडक्शन ऑफ ए टी जी का डिडक्शन कई लोगों को कई बच्चों को बहुत तंग करता है क्योंकि लिस्ट ही याद नहीं होती सर सर समझ में नहीं आता कई बार कितना डिडक्शन देना है सो हेयर इज वेयर वी विल ट्राई एंड सिंप्लीफाइड फॉर यू मेमोरी रिमेंबर इज वन ऑफ योर मेन एसेट्स बच्चे पेपर में समझ लिया परते समय सारे क्वेश्चंस देख देख के लिस्ट को सॉल्व भी कर लिया पर पेपर में किताबें अलाउड नहीं है so memory, कुछ ट्रिक्स के हमें आने चाहिए. तो डोनेशन अंडर एटी चलिए सबसे पहले अवर यू वी नो एटी में इट इज डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज कुछ इंस्टीट्यूट हैं कुछ संस्थाएं हैं कुछ हैं जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि आप इन लोगों को डोनेशन देंगे तो आपको हम आपकी जीटीआई में से डिडक्शन दे देंगे आपकी नौ ए लिस्ट कैटेगरी को जितना भी आप पैसा डोनेट करोगे हंड्रेड डिडक्ट होगा बी लिस्ट वालों को फिफ्टी होगा सी और डी लिस्ट का जितना भी टोटल अमाउंट डोनेट करा मिलाकर उस पर एक लिमिट लगता है समथिंग कॉल्ड एडजस्टेड का 10 और उस लिमिट में से सी लिस्ट वाले का हंड्रेड परसेंट अलाउड है और डी लिस्ट वाले का फिफ्टी परसेंट अलाउड है हाँ सर पूरा समझ में आ गया चलिए तो एक काम करते हैं लेट लेट अस अस जस्ट टेक अ अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस से देयर इज मिस्टर एक्स उसके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सैलरी की इनकम है उसने एक गोल्ड बेचा उस उसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेचे हैं उस उसपे एक लाख बीस हजार का कैपिटल गेन है कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स का वो भी एक लाख ,00 बीस हजार और लॉटरी भी लग गई वो चालीस हजार की है यानी टोटल अगर मैं इसकी जीटीआई निकालूं इट कम्स टू सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड इसने कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है जिसके लिए ए मिलता है थर्टी थाउजेंड का एक इसने मेडिकल इंश्योरेंस कराया जिसके लिए ए मिलता है टेन थाउजेंड का और कुछ उसने डोनेशन दिए हैं ए लिस्ट को दस हजार बी लिस्ट को सात हजार सी लिस्ट को सतारा और डी लिस्ट को बीस हजार तो लड़ेजस्टी अभी तो हमने लिस्ट देख ली भाई इस, इस लिस्ट वाले को इतना इतना अमाउंट डोनेट हुआ तो डिडक्शन कैसे मिलेगी सर ए लिस्ट वाले को दस हजार दिया तो दस हजार का डिडक्शन मिल गया बी लिस्ट वाले को सात हजार दिया तो पैंतीस सौ का डिडक्शन मिल गया अब आते हैं सी और डी लिस्ट नाउ पहले तो इन दोनों अमाउंट्स को टोटल कर लेंगे बेटा देन द गवर्नमेंट सेज एडजस्टेड गीटीआई ना द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड एडजस्टेडी में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस निकाल देंगे शॉर्ट टर्म ये वन 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 ए वाला निकाल देंगे क्योंकि स्पेशल रेट पे टैक्स है और जितनी बाकी डिडक्शन मिलती है एटीसी टू एटी यू वो निकाल देंगे यानी बेसिकली जी टी आई काम कर रहे जिसमें से स्पेशल इनकम कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वन 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 ए वाला वो निकाल रहे हैं और बाकी सारी डिडक्शन एटीसी डी एटी क्यू क्यू बी आर आर बी जो भी आपने क्लेम करा उसको माइनस करके जो जी टी आई बचेगा उसका टेन परसेंट लिमिट लगाएंगे तो चलिए हमारे एग्जाम्पल में अगर छह लाख साठ हजार है इसमें से क्या क्या माइनस करें एक तो ये तीस हजार माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म वाला एक ये वाला लॉन्ग टर्म भी भी माइनस माइनस करेंगे करेंगे एक वन 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 करेंगे। अब रही बात लॉटरी की सो वी लुक एट एनी डेफिनेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट देखो बच्चों इट हैजू बी गिवन इन द सेक्शन और सेक्शन में नहीं बोला लॉटरी को माइनस करने के लिए और आईसीआई भी फॉलो नहीं करता है तो हमने लॉटरी की इनकम माइनस नहीं करी और ए सी का और ए का डिडक्शन माइनस करने के बाद मेरे पास जो आया उसको बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई उसका टेन परसेंट लेंगे पैंतीस हजार नाउ द टोटल अमाउंट डोनेटेड विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू थर्टी फाइव थाउजेंड नाउ वी डू सी लिस्ट वाला हंड्रेड परसेंट जाना है और डी लिस्ट वाला फिफ्टी परसेंट जाना है सो आउट ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड हाउ मच इज दी डोनेशन एंड हाउ मच इज द डी डोनेशन ये कहीं पर प्रोपोर्शनेट करने को नहीं बोला लॉ ने तो हम क्या मानेंगे जो भी हमारा फायदा हो रहा है तो हम मानेंगे इस पैंतीस हजार में ये सतारा हजार पूरा का पूरा है तो हम इस पूरे सेवनटीन थाउजेंड का डिडक्शन दे देंगे ना आउट ऑफ सेवनटीन थाउजेंड मच इज लेफ्ट थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सेवेंटीन थाउजेंड करिए जरा कितना आ गया एटीन थाउजेंड यह मान लेंगे कि बीस में से एटीन थाउजेंड जो है जो एलिजिबल वाले अमाउंट में आ रहा है वो डीलिस्ट का और उसका फिफ्टी परसेंट विच इज नाइन थाउजेंड तो ये आ जाएगा मेरा थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड इज वॉट वी मैनर मैंने आपको डिडक्शन ए बी सी डी लिस्ट की दिखा दी अब मेरा जो मेन कारण है टू ट्राई एंड मेक यू मेमोराइज द लिस्ट नॉट टू बी एबल टू मेमोराइज देखो आई हैव टू टेल यूर स्टोरी और स्टोरी में थोड़ी नोटंकी भी चलेगी आई होप यू आर रेडी सबसे पहले याद करते हैं बी लिस्ट फिफ्टी परसेंट अगर हम देखें यहां पर फंड्स हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन कई बार ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने भी लिस्ट जो बनाई है ना हमारी कहानी क्या बनाई है तो चलिए कहानी क्या है जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पहले उनका ध्यान हो गया है मेमोरियल ट्रस्ट है उनके जमाने में अगर पुराने जमाने की पिक्चर देखो ना अपने आपके दादा दादी नाना नानी के जमाने की तो वहां पर कई पिक्चरों में दिखाते हैं कि इंडिया में ना बहुत सूखा पड़ा हुआ है मतलब बारिश नहीं हो रहा है किसान मर रहा है ऐसी बहुत पिक्चरें थी तो अभी उस पिक्चर से लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड ड्रॉट मतलब सूखा रिलीफ फंड में आ रहा है उनकी बिटिया का नाम इंदिरा गांधी था और इंदिरा गांधी जी के बेटे का नाम या जवाहरलाल नेहरू जी के पोते का नाम राजीव गांधी था तो ये तो होगी हमारी बी लिस्ट वेरी सिंपली डन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट प्रधानमंत्री थे सूखा बहुत पड़ता था प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन यानी पेपर में अगर आ गया ना कि एक्स ने डोनेशन दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को एकदम से दिमाग में आना चाहिए ये बी लिस्ट में आ रहा है नाउ वी कम टू सी लिस्ट रिमेंबर सी और डी लिस्ट पे एक लिमिट लगता है और उस लिमिट के बाद सीलिस्ट वाला हंड्रेड परसेंट जाएगा और डीलिस्ट वाला फिफ्टी परसेंट सीलिस्ट अगर आप इंडिया का मेन प्रॉब्लम देखें चलिए बहुत सारी है, है बट में मेन आता है पॉपुलेशन वो कहता है अगर आपने गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन दिया डोनेशन दिया फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग यानी गवर्नमेंट प्रचार कर रही है छोटा परिवार सुखी परिवार तो आपकी वो डोनेशन की डिडक्शन आपको सी लिस्ट में मिलेगी और उसको मैंने लिंक कर दिया डी लिस्ट के साथ वही गवर्नमेंट को लोकल अथॉरिटी को आपने डोनेशन दिया फॉर एनी अदर पर्प अदर देन फैमिली प्लानिंग विल कम इन डी लिस्ट लिस्ट और सी में एक और आ रहा है पर यह सिर्फ कंपनी को है फॉर डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो बी लिस्ट होगी सी लिस्ट होगी विच इज गवर्नमेंट और फटाफट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड एक आ गया कंपनी ने डोनेशन दिया टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट अदर देन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग गोज अंडर लिस्ट तो चलिए ना लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनेशन पार्ट इन एटीजी ये है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक मंदिर है मस्जिद है गुरुद्वारे हैं चर्चेज हैं मदर टेरेसा वाली फाउंडेशन है या कोई कैंसर सोसाइटीज हैं कोई संस्थाएं हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के बारे में देखभाल कर रहे हैं कोई इलाज करवा रहे हैं ये सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं विच आर डूइंग द सोसाइटी अ काइंड ऑफ बेनिफिट तो इन लोगों को बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन लीजिए ए जी में और वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी स्लिप पे डालिए और अगर मैं ऐसे किसी संस्था को डोनेशन देता हूं देन रिमेंबर आई विल गेट अ स्लिप और उस स्लिप के बेसिस पे मैं अपनी रिटर्न में उनका नंबर कोट करके ए का आई विल क्लेम अ डिडक्शन एंड दैट विल कम अंडर डीलिस्ट ये आ गया टू एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चेस एनी अदर सोसाइटी दैट इज डूइंग बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज बट उनको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर ए फिर बेटा आते हैं दो और एक है माइनॉरिटी बोर्ड तो इन इंडिया स you तो know, so, जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके राइट्स के लिए उनके बेनिफिट्स के लिए कोई बोर्ड्स बने हुए हैं संस्थाएं बनी हुई हैं उनको अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो आपको एट्टी जी की टी लिस्ट में डिडक्शन मिलेगी बट प्लीज रिमेबर इन सबको रजिस्ट्रेशन लेना विदिशनर ऑफ इनकम टैक्स तो ये आ गया बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज अच्छा हाउसिंग है बहुत मेजर प्रॉब्लम uh, है इंडिया में तो so, अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है कोई हाउसिंग बोर्ड है

ताजमहल so, uh, और द रेड फोर्ट और द गेटवे ऑफ इंडिया और कुतुब मीनार बिग प्रस्टिजियस मंदिर गुरुद्वारा जो नेशनल अगर आप रिपेयर के लिए रेनोवेशन के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो आपको एटीजी में डिडक्शन मिल जाएगी तो डीलिस्ट में क्या क्या होगा एक तो फैमिली प्लानिंग था गवर्नमेंट का लोकल अथॉरिटी का सी लिस्ट में अदर देन दैट कम इन डी लिस्ट एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ गया एक हाउसिंग बोर्ड वाले आ गए हाउसिंग टाउन प्लानिंग कमिटीज आ गई एक आ गया माइनॉरिटी बोर्ड और एक आ गया हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ नेशनल एमिनेंस चलिए अब आते हैं ए लिस्ट पे। अभी ये लिस्ट पे लंबी है इसको याद करने के लिए थोड़ा सा हमें एक कहानी सुननी पड़ेगी तो मेरे लिए कहानी शुरू होती है आए, आए से हंसना मत अब जैसे पहला आता है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इंडिया में कहीं पर भी बाढ़ आ गई फ्लड्स आ गए या कोई भी हो होगी हो है ना अर्थक्वेक आ गया तो वहां पर जो डिस्ट्रक्शन होती है उन लोगों की आ, यू नो उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए या उन लोगों के मदद के लिए पैसा जो यूज होता है वो जनरली प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से हो रहा है अभी हाल ही में एक नया फंड शुरू करा गया था कोविड में पीएम केयर्स फंड ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है इसलिए हाई हाई क्योंकि ये फंड जब भी यूज होंगे ना तो कोई ना कोई कैटास्ट्रोफी हुई होगी हाई 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 अच्छा हाँ हाँ से पढ़ाई कहा दूर रहेगी तो पढ़ाई वाली हाँ। पढ़ाई वाली हाँ। लिस्ट याद करो एक है यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस नाउ रिमेंबर अगर कोई यूनिवर्सिटी है कॉलेज है अगर उन्होंने ए का रजिस्ट्रेशन लिया और आपने उनको डोनेशन दिया और उसके बदले में कोई सीट नहीं मिली हाँ ये याद रखना ये मन की शांति वाली डोनेशन है अच्छा फिर पढ़ाई के बाद अरे बीमारी कहां दूर रहेगी तो बीमारी वाली हाय है बीमारी वाली हाय है अब बीमारी का अंग्रेजी में नाम होता है इलनेस अच्छा बीमारी में सबसे पहले ना वो खून ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है ना तो चलिए नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल अच्छा मैं एक बार बता दूं इसका ब्लड टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है तुम्हें नाम याद कराने के लिए बीमारी से खून काउंसिल्स स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नो इन केस ऑफ ट्रांसफ्यूजन का जो आपका uh, जो होना होता है उसके लिए ये काउंसिल होती है उनको आप डोनेशन दे रहे हो मेडिकल रिलीफ टू पुअर के लिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का फंड हो मेडिकल रिलीफ टू पुअर तो खून गरीबों के लिए कोई मेडिकल रिलीफ के लिए आ गया फिर नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड आ गया फिर ना कुछ बीमारियां थी कुछ बॉलीवुड की पिक्चरों ने बहुत फेमस करी है एक मायने में खान था और एक बर्फी पिक्चर थी वहां पर एक बीमारी थी ऑटिज्म ऑटिज्म इज अ डिजीज ऑफ द ब्रेन तो वहां पर शाहरुख खान जी ने और uh, रणबीर कपूर जी ने ये दो कैरेक्टर्स जो प्ले कर रहे थे उनको बीमारी थी ऑटिज्म तो हम यहां पर आ जाते हैं नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म and then there is cerebral palsy cerebrum is your brain and mental retardation these are all problems of the brain so in uh, बीमारियों के लिए आपने नेशनल ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो आपको ए का ए लिस्ट में डोनेशन का डिडक्शन मिल सकता है तो क्या क्या हो गया पहला वाला हाई हाई प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड दूसरा हाई हाई पीएम केयर्स फंड साथ क्या आ गया पढ़ाई वाला हाँ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस फिर क्या आ गया बीमारी वाला बीमारी वाले में सबसे पहले क्या आया ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल सेंट्रल नेशनल और स्टेट फिर क्या बीमारी का अंग्रेजी में नाम क्या होता है नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड गरीबों के लिए बीमारी वाला मेडिकल रिलीफ टू पुअर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड वी कम टू ऑटिज्म शाहरुख खान जी वाला जो उन्होंने फेमस करा ऑटिज्म ऑटिज्मी एंड मेंटल रिटार्डेशन देन बेटा नेशनल डिफेंस फंड अब यहां आ जाएगा जय हिंद फंड जय हिंद नेशनल डिफेंस फंड या आर्मी फंड नेवल फंड एयरफोर्स फंड तो दो आगे जय हिंद फंड अगले तीनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं था तो इसका नाम रख दिया झिंगा लाला फंड एक ऐड आती थी आई रिमेम्बर वेन देर वॉज अ स्पोर्ट फंक्शन गोइंग ऑन हाँ, इसको लगा डाला झिंगाला लाइफ होगी झिंगाला ऐसा कुछ था तो उससे कोरिलेट करा स्पोर्ट्स फंड। अभी स्पोर्ट्स फंड फंड के लिए डोनेशन दिया तो ए लिस्ट में आ गया चलो आप दिमाग करो स्पोर्ट्स जब भी होती है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है कल्चरल फंक्शन हो रहे होते हैं और आजकल स्पोर्ट्स बिना टेक्नोलॉजी के नहीं खेला जाता है तो यहां आ गया कल्चरल फंड और यह आ गया फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहानी बनती जा रही है कहानी बनती जा रही है दिमाग में डालो पर प्लीज ये कल्चरल का स्पोर्ट्स है और टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है सिर्फ कहानी के लिए उनको करा है। अच्छा अब याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी को चाचा भी कहते थे है ना 14th of November is celebrated as, uh, children's day, उनका बर्थडे अभी पहले बी लिस्ट में आता था फिर बच्चों से प्यार बढ़ गया उसको ए लिस्ट में डाल दिया गया so, मोदी जी के दो फेवरेट फंड एक स्वच्छ भारत कोष और एक क्लीन गंगा फंड मोदी जी के दो फेवरेट हैं स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा एक पिक्चर आई थी उसमें गाना था चिट्टा वे पिक्चर थी ऐसी कुछ चिट्टा वे ड्रग्स सो तो आपने नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज के लिए अगर कोई भी डोनेशन दिया तो भी आपको डिडक्शन ए लिस्ट में मिलेगा एक चीज याद रखिए एक होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स में पढ़ोगे कंपनीज के लिए

तो फटाफट फड़ एक बार बात डन द लिस्ट डी लिस्ट जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड उनके जमाने में, 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 में सूखा बहुत पड़ता था प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड इंदिरा गांधी जी मेमोरियल फंड एंड राजीव गांधी फाउंडेशन फिर सी लिस्ट में क्या आया था सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अदर देन फैमिली प्लानिंग डी लिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया माइनॉरिटीज वाला आ गया हाउसिंग वाला आ गया और हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस ऑफ नेशनल एमिनेंस की रिपेयर के लिए

स फंड आर्मी नेवी फंड कल्चरल टेक्नोलॉजी जवाहरलाल नेहरू जी का चिल्ड्र गया मोदी जी का स्वच्छ भारत कोशी और इन दिस ऑर्डर एंड होपुल यह लिस्ट आपको याद रहेगी मुझे कमेंट में बताना जरूर कि अगर आपको याद हुआ या नहीं हुआ नमस्कार टिलेक unacademy let's crack it